नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 26 मई 2014 को जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उनके प्रधानमंत्री को भी भारत में आमंत्रित किया गया। तमाम विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करके भी उन्हें बुलाया गया। उम्मीद थी कि नई सरकार के साथ नई शुरुआत होगी, नए रिश्ते बनेंगे, हालात बेहतर होंगे, दोनों देशों के बीच अमन का माहौल होगा। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लगता नहीं कि हालात में थोड़ा सा भी सुधार हुआ है। तो क्या 3 साल बेमिसाल कहे जा सकते हैं? आइए शुरू करते हैं इसी पर हमारी ये खास पेशकश, 3 साल कितने बेमिसाल। तो एक के बाद एक पाकिस्तान प्रायोजित हमले कराए गए, गुरदासपुर, इसके अलावा उरी, इसके अलावा नौशेरा में तमाम हमले हुए। लेकिन इसके बाद सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और दो दो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आज ही आई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके? क्या पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया? और क्या पाकिस्तान इसके बाद अपने रवैये में बदलाव करेगा? आज कुछ यही सवाल होंगे। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे साथ। इसके अलावा सुधांशु मित्तल जी हैं बीजेपी से, उनका जोरदार स्वागत कीजिए हमारे साथ। आदिल सिंह बोपाराय जी हैं कांग्रेस से, उनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। और कुछ एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने इस बहस में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट इस पूरे मुद्दे पर। पाकिस्तान की चौकियों पर सेना के ऑपरेशन की ये तस्वीरें देखिए। सेना के गोलों की संख्या गिनिए और धमाकों की गूंज सुनिए। धमाकों की ये गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही होगी। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा तक ये गूंज पहुंच रही है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। भारतीय जवानों के साथ नापाक हरकत का बदला था ये। सिर्फ 30 सेकंड में पाकिस्तान के बंकर तबाह कर दिए गए। तय है इसमें कई आतंकी और पाकिस्तानी फौजी ढेर हुए होंगे। ये एक्शन पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी जनरलों को जरूर दर्द देगी। एक ऐसा ही दर्द उसे पिछले साल सितंबर में तब मिला था जब उरी में 18 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया और सुरक्षित वापस लौट आए। साल में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर गहरी चोट की है। पाकिस्तान पर दो दो सर्जिकल स्ट्राइक कर एक ऐसा मैसेज दिया जिससे न सिर्फ मोदी की पॉलिटिकल विल पावर की वाहवाही हुई बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी ने लोहा मनवाया। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तो तीसरा साल बीतते बीतते पाकिस्तान पर न्यायिक सर्जिकल स्ट्राइक की। कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान को एक ऐसी पटखनी दी कि वहां की सरकार संकट में आ गई। उस बात का जिक्र जरूरी है जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। 46 साल में भारत ने पहली बार आईसीजे में किसी मामले को ले जाने का फैसला किया।
भारत ने यह कहते हुए पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में खींचा कि वो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। सीनियर वकील हरीश सालवे की टीम की दलीलों के सामने पाकिस्तान के वकील बस्त पड़ गए। कोर्ट ने भारत की दलीलों को मानते हुए इस पर सुनवाई के लिए न सिर्फ हामी भरी बल्कि जाधव की फांसी पर स्टे लगा दिया और भारत की काउंसलर एक्सेस की मांग को जायज ठहराया। In the view of the court, taking into account the legal arguments and evidence presented, it appears that the rights invoked by India in the present case on the basis of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention are plausible. जाधव के मसले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना बेहद पेचीदा मसला था। इससे पहले यूपीए सरकार में भी कैप्टन सौरभ कालिया का मामला आया था। उनके पिता बार बार भारत सरकार से आईसीजे में जाने की इजाजत मांगते रहे लेकिन वो नहीं मिली। 2012 में उन्हें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा। कि ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी आईसीजे ने नोटिस में कैसे ले लिया, इतनी जल्दी केस भी चला लिया, इतनी जल्दी इंटरिम ऑर्डर भी दे दिया। और जो हिंदुस्तान का लॉयर था उन्होंने 1 रुपया उनको चार्ज किया है, हर्ष सालवे जो उनका नाम है। और हमारे यहाँ कुरैशी साहब थे, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा हमें चार्ज किया। जाहिर है पाकिस्तान में भारत की इस जीत से बौखलाहट थी, लिहाजा तलवारें नवाज शरीफ पर खींचनी तय थी और हुआ भी ऐसा ही। इस फजीहत से बचने के लिए उसने नया दांव चला। ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें काउंसिल एक्सेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका, यह राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन हमारी, क्योंकि जो आईसीजे की सबसे बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रटेशन पे दो ममालिक के दरमियान अख्तिलाफ हो तो उसकी वो राय दे सकते हैं। तो इसलिए उनका एक बुनियादी फर्ज है, उसने कहा कि वो जो बायलेटरल एग्रीमेंट आपका है वो हमें इसको एग्जामिन करने से नहीं रोक सकते। सर्जिकल स्ट्राइक सेना के पराक्रम का बेजोड़ नमूना तो था ही, सरकार की विल पावर का भी सबूत था। लिहाजा इस फैसले ने पीएम मोदी के कद को और भी बढ़ा दिया। वहीं विपक्ष यहां भी समझ नहीं पाया कि इस फैसले की तारीफ करें या आलोचना। इसी उहापो में बाजी मोदी मारकर ले गए। चलिए तो बहस की शुरुआत करें। इससे पहले आपको बता दें जनता जनार्दन भी हमारे बीच में है और हमारे सहयोगी आशुतोष होंगे जनता जनार्दन के बीच से उनके सवालों को लेकर। चलते हैं सीधे सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी के पास जो कि स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी, 3 साल को आप कैसे आंकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? क्या आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए? क्या आप पाकिस्तान को अलग थलग कर पाए? क्या पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे पाए? देखिए, 3 साल का इतिहास, उसका अगर सही मूल्यांकन करना है तो उसके अलग अलग चरण हैं। जब नई सरकार आती है तो वो अमन और शांति की कोशिश करती है और हर सरकार को करना चाहिए। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वो अपने पड़ोसियों से झगड़ा करे जी, या उनके साथ उनका युद्ध चले। तो आते ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनके प्रधानमंत्री को न्योता दिया और उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ आए। लगा एक अच्छी शुरुआत हुई है और संभवतः कहीं एक नया दौर जो है दोस्ती का चालू हो जाएगा जी। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को समझते समय एक चीज हमें जरूर समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति क्या है जी। वहां पे वैसे तो प्रजातंत्र है लेकिन असली तंत्र जो है वो आईएसआई का तंत्र है, वो वहां की फौज का तंत्र है। और आईएसआई और फौज ये कभी नहीं सहन कर सकते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्त हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम और वो दोस्त हो गए तो फौज की हैसियत जी और उसकी सार्थकता क्या बचेगी? आईएसआई को फिर कौन पूछने वाला है? तो लिहाजा जब भी दोस्ती का कोई क्षण आता है, मुकाम आता है, तो ये लोग कोई ना कोई सुरा छोड़ते हैं जी। इन्होंने वही करा जी। इन्होंने हर बार जब कोशिशें अंजाम तक पहुंचने की हुई तो इन्होंने उसके अंदर
बारूद लगाए, ठीक है लगाए जी। लेकिन मोदी सरकार की एक एक जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन थी कि हम एक साथ एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं जी, दूसरी तरफ किसी के सामने झुका के सिर या आंख झुका के हम नहीं देखते, हम सर उठा के और निगाहें ऊपर करके देखते हैं जी। तो जैसे ही पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की तरफ से उनके नापाक हमले चालू हुए, नतीजा क्या हुआ? देखिए सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, प्रतिपक्ष कहता है भाई हमने भी बहुत करे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इससे फर्क क्या है? ये फर्क जो आज तक सामने नहीं निकल के आता है लोगों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान ने आज तक कभी ये नहीं कहा इससे पहले कि अपनी सरजमी की रक्षा के लिए जी, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जी, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करना पड़ेगा तो हम करेंगे जी, हम देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं छोड़ेंगे जी। ये पहली बार है। अच्छा सुधांशु जी, इससे पहले किसी सरकार ने ये नहीं कहा, सब सरकारों ने चोरी छुपे करी है लेकिन कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमने कहा, हमने कहा हमने तुम्हारी जमीन में गए वहां पे जाके तुम्हें मारा और आगे भी मारेंगे। नहीं यानी बाकी सरकारों ने ये खुलासा क्यों नहीं किया, क्या मानते हैं? उसका कारण है कि इसका इसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम बहुत है, लेकिन ये सरकार देश की जब आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न आता है तो उन्होंने कहा परिणाम की हमें चिंता नहीं है। यानी कि ज्यादातर समय तक सुधांशु जी आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ आदिल सिंह जी भी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। आदिल सिंह जी, सुधांशु जी का कहना है कि आपके टाइम में भी ऐसी योजनाएं बनी होंगी, ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की गई होगी, लेकिन आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या फिर कूटनीतिक मामलों में आप इतने सक्षम नहीं थे कि इस बात का खुलासा कर सके, क्या आप इस बात को मानते हैं? सबसे पहले तो जो आज हमारी भारतीय सेना ने एक्शन किया है LOC पे, उसका मैं स्वागत करता हूँ और सलाम करता हूँ हमारी भारतीय सेना के साहस को। हर हिंदुस्तानी भारतीय सेना पे गौरव है, हर हिंदुस्तानी को, और ये सेना हिंदुस्तान की सेना हर भारतीय की है, कोई पार्टी की नहीं है, हर भारतीय की है। सबसे पहले दूसरी बात भाजपा के बारे, भाजपा का भाषण ही शासन है, ये है सच्चाई भाजपा की। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं हुई थी, पहले हुई थी पर उसका हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दें। अब मैं आपको आपके सामने तत्व पेश करता हूं जी। पिछले 30 महीनों में जी, पिछले 30 महीनों में भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 1350 सीज फायर वायलेशन हुए हैं कश्मीर में जी। 1350, 200 से ज्यादा हमारे सैनिक, हमारे जवान को शहादत हुई है कश्मीर में जी। अभी रिसेंटली 25 से ज्यादा जवान हमारे नक्सलवादी एरिया में शहादत हुई है उनकी। पर भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया। पर इधर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, भारतीय सेना को कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गलत है। सुधांशु जी जवाब देंगे, ये हमारी आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। अच्छा भारतीय सेना का हम सलाम करते हैं दोस्तों। 1965 में कांग्रेस पार्टी थी, 1975 में कांग्रेस आई, 71 में कांग्रेस पार्टी थी। नहीं लेकिन हिंदुस्तान के दो प्रधानमंत्री, कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री ने कह रही थी हिंदुस्तान के लिए कहा था 65 और 71 के नाम पर कब तक रॉयल्टी खाते रहेंगे, और इंदिरा गांधी के नाम पर 93,000 सैनिक जो है वो सरेंडर करवा दिए। पब्लिक में से कुछ लोग कह रहे थे कि कब तक रॉयल्टी खाती रहेगी कांग्रेस सरकार। और एक बात, सर्जिकल स्ट्राइक जब आपने दावा किया कि आपके वक्त भी हुआ था, आप बार बार प्रूफ मांगते हैं कांग्रेस से, सरकार से, कांग्रेस के पास क्या वो फुटेज है, क्या वो प्रूफ है, बड़ा प्रश्न। भाईजान हमारे और भारतीय जनता पार्टी में एक फंडामेंटल अंतर है, हम सैनिक के योगदान से रॉयल्टी नहीं मांगते, रॉयल्टी नहीं मांगते मेरे भाई, हम उसका सलाम करते हैं, हमें गौरव है सेना पे। जवाब देना चाह रहे हैं इस बात में बहुत देर से, ये अंतर है हमारे और भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुधांशु जी के पास चल लेते हैं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करी और सलाम करा जी, मैं इनको ताली बजाता हूं उसके लिए। आपने सुना होगा जब मैंने कहा, तो मैंने कहा इनके जमाने में भी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने कहा कि नहीं हुआ क्या? मैंने कभी इस बात पे राजनीति करी क्या?
नहीं करी। अब देखिए क्या राजनीति करते, हमारे 200 सैनिक मारे गए, हाँ मारे गए, उनकी शहादत हुई, लेकिन उस शहादत को आप किस रूप में दिखा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया और हम लोग पिट गए। अब मैं आपको असलियत बता देता हूं, सुनिए, हिंदुस्तान ने एक शहादत का जवाब 5 शहादतों से लिया है। आप सबको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, आज खुलासा करता हूं। कोई सरकार अपने मुंह से नहीं कहती है कि हमने दुश्मन के कितने सैनिक मारे, पाकिस्तान ने आज तक नहीं कहा। लेकिन दोस्तों कभी पाकिस्तान के अखबार पढ़ लीजिएगा, पिछली बार जब मैंने पढ़ा था तब तक 937 उनके मारे जा चुके थे, हिंदुस्तान के 205 उनके 937, और अब 1000 के ऊपर हो चुके हैं। एक के बदले 5 लिया इस हिंदुस्तान की सेना ने, यह गौरव का विषय है या यह कहना गौरव का विषय है कि अरे तुमने कहां की थी भाई सर्जिकल स्ट्राइक, उसके हमें वो दिखाओ, सबूत दिखाओ। क्या ये ईमानदारी है, क्या ये ईमानदारी है जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान के सिपाहियों के खून की दलाली करते हैं, आप उस समय सेना के मनोबल के लिए क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं या उनको जलील कर रहे हैं? चलिए, कांग्रेस से मेरा सिर्फ एक निवेदन है, हमारा आपका झगड़ा है करते रहिए राजनीति में जो करिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे जी, हिंदुस्तान की फौजों के विषय में कृपा करके हल्की राजनीति ना करिए। अवधेश जी के पास हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। सुधांशु जी, अवधेश जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आप इन दावों का आकलन कैसे करते हैं, जो बातें सुधांशु जी कह रहे हैं या जो सरकार कह रही है? नहीं, देखिए भारत की पाकिस्तान नीति को अगर 3 साल की हम विवेचना करते हैं तो ये बात आरंभ की जो सुधांशु जी की बात थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने शासन का आरंभ नेवर फर्स्ट नीति से किया था कि पड़ोसी को पहले पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उसके तहत उन्होंने बुलाया था। लेकिन साउथ एशिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, साउथ एशिया के तमाम 8 राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उन सबसे बातचीत हुई थी, और ये बेहतर कदम था, दुनिया ने इसको सराहा था कि एक क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति आकर के इतना भीजन ऐसा रखता है कि पड़ोसी देशों के साथ मिलकर चलना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है उसमें पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को निर्यात करना बंद नहीं करता है, कोई भी सरकार चाह के भी पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं कर सकता, बेहतर संबंध नहीं बना सकती है। तो नरेंद्र मोदी ने सारी कोशिश की, यहां तक कि 25 दिसंबर 2016 को बिना निमंत्रण के वो लाहौर तक भी चले गए, बिल्कुल, और उसकी भी दुनिया में प्रशंसा हुई। समय काबुल के दौरे से वापस लौट गए। लेकिन मेरा मानना है कि 15 अगस्त 2016 पाकिस्तान और भारत के संबंधों में एक मोड़ बिंदु साबित हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने बजाबता लाल किला से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो 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 आजादी की लड़ाई है उसका नाम लिया, गिलगित और बल्तिस्तान का नाम लिया, क्योंकि पाकिस्तान से अब यह समझ में आ गया, इसका अर्थ यह हुआ कि इस सरकार को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान से निपटने का एक ही रास्ता है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, बलूचिस्तान को अलग करो, सिंध को अलग करो, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करो, और जो हमारा भाग उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रखा है उनकी आवाज उठाओ, और ये दोनों उठाया है। तो अब भारत सरकार की नीति इस दिशा में चल पड़ी है, हम बलूचिस्तान के आजादी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, हम शाम सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और पाकिस्तान विरोधी जो गिलगित बल्तिस्तान में आवाज उठ रही है उसका भी समर्थन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन ये भी है कि हमलों में कमी नहीं आ रही, पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह की हरकतें वो बढ़ती जा रही है, इस पर हम लौटेंगे और बातचीत भी करेंगे, हम कांग्रेस से इसका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी है, जनता के बीच से कुछ सवाल है, ये जनाब कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल विवेक, बहुत सारे लोग यहाँ पर युवा जोश से लबरेज जो है, स्टूडेंट्स भी हैं और किसान भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम सवाल हैं इनके, आप बताएं कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, और ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष से है या फिर विपक्ष से। सुधांशु मित्तल जी से हमारा प्रश्न है, आपने जो बातचीत की शुरुआत की बहुत अच्छी की कि किसी भी देश को जो है पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, जो शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भी, और बाद में मेरा जो प्रश्न है कि दोस्ती का हाथ जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने भी किया था, बस लाहौर लेके गए थे, आप पूरे 5 साल के कार्यकाल की सरकार चली, आपने उनसे भी नहीं सीखा, इतनी आपने विलंब कर दिया, 3 वर्ष हो गए, अब 3 वर्ष बाद जो ये तेजी हो रही है तो ये थोड़ा सा जरा संदेहास्पद लगती है। और जो मेरे मन में ख्याल आता है कि शायद जैसे जैसे आप 2019 की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कुछ तेजी आएगी, तो वो जो मोदी साहब पहले बोला करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो चीज की प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम आज वो चीज नहीं आ रही मोदी साहब में, प्रोएक्टिवनेस इनको नजर नहीं आ रहा आपकी रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान के हमारे रिश्ते जी कल चालू नहीं हुए और कल खत्म नहीं होंगे, ये 70 साल के रिश्ते हैं,
ये जो वैमनस्य है ये 70 साल का वैमनस्य है। ऐसे में किसी 2 साल को 1 साल को देख के उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न जो है शायद गलत हो जाएगा। और जहाँ तक 2019 तक के जाने का सवाल है, माफ़ करिएगा, ये सरकार जो है ये राजनीति को जो है किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ती है। ये सरकार देश हित के लिए कोई राजनीति नहीं देख सकती है और देश हित के लिए इसको जो करना है वो करती है। 2019 में जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश धर्म में जीत जो है इस देश की होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान से प्यार की भाषा करी गई, एक स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, वो कई बार कोशिश कर चुके हैं, जरा बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या आपके दिल में? सर क्वेश्चन आपसे ही है, लाइक कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, आपने कहा कि आर्मी है वो अपना काम करती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जहाँ पे पॉलिटिक्स का पार्ट आता है, आई थिंक वो एक इंटरनेशनल अरेना पे वो पार्ट आता है जहाँ पॉलिटिक्स सरकार क्या करती है वो चीज़ काउंट करती है, राइट? अभी जो यूएन की प्रोस्पेक्टिव लिस्ट थी ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें जो पठानकोट टेररिज्म का जो मास्टरमाइंड था अजहर मसूद, उसको जो है इंडियन मतलब सरकार फेल कर गई उसका नाम उस लिस्ट में लाने में, तो इसके आप क्या कहना है? लाइक यहाँ तो सरकार का पार्ट था, राइट? आपको अगर थोड़ा सा अंदाजा हो तो कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हर देश ने अपनी अपनी साख बना रखी है। ये सत्य है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है और चाइना यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो का एक अधिकार है, तो उसके चलते पाकिस्तान को जो उसका फायदा मिलता है। चाइना के साथ व्यापार तो बहुत बढ़िया होता है अपना। आपने एक चीज देखी है कि पिछले कुछ दिनों में चाइना के साथ जी एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने विषयों पे लगी है? मुझे कुछ खुलासा ना करवाइए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में कम बोलना चाहिए। आदिल जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब पूरा कर लें फिर आदिल जी के पास चलेंगे। मैं भी कुछ बोलूं। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई थी और मुझे इस चीज का बड़ा बड़ा दुख है कि जब चीन के प्रेसिडेंट गुजरात आए, मोदी जी के मिलने आए, उस समय चाइनीज फोर्सेस हमारे अरुणाचल में घूम रही थी, हमारे बॉर्डर के अंदर घूम रही थी। चाइना ने अरुणाचल को, जो हमारा अहम हिस्सा है हिंदुस्तान का, उसको अपना नाम दिया। नहीं, भारत सरकार को जरूरत थी इसका करारा जवाब देने की। बहुत पुराना मसला है, स्टेपल वीजा मसला है भाई साहब, 2 महीने पहले जारी होती है। ये नया नहीं है, चीन ने अरुणाचल को नाम दिया। आदिल जी स्टेपल वीजा आज की बात है, आप बताइए स्टेपल वीजा आज की बात है। मैं बताता हूं, अरुणाचल और कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, कोई दो राय नहीं है। जरूरत है भारत सरकार को एक जवाब दे चाइना को। कांग्रेस सरकार भी उससे जूझती रही है। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बोलूं बात देश हित की है। सुधांशु जी आपके पास आएंगे, एक छोटा जवाब इनसे ले लेते हैं। अब देखिए, दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण आए हैं। देखिए, पाकिस्तान से आपको 3 स्तरों पर निपटना पड़ता है। एक तो निपटना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां के इन्होंने बताया चीन उसके साथ है, और मसूद अजहर पर जो उनका प्रश्न था, मसूद अजहर पर वीटो कर दिया। लेकिन मसूद अजहर के साथ साथ मैं इसमें हाफिज सईद को भी जोड़ना चाहूंगा। हाफिज सईद को भी पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त नहीं, लेकिन हाफिज सईद को तो संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। मसूद अजहर को घोषित हमको कराना था, जिस पर वो चीन ने वीटो लगा दिया। लेकिन चीन के वीटो के बावजूद ये दुनिया मान गई कि मसूद अजहर जो है आतंकवादी है, और मसूद अजहर पर कम से कम इतना हुआ है कि ट्रेवल बैन लग गया है, अब वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा जो हमको निपटना है द्विपक्षीय स्तर पर, और तीसरा पाकिस्तान को से जो है हमको जम्मू कश्मीर में निपटना पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आपका प्रश्न था कि जो मोदी जी गुजरात में थे बोलते थे, वो शायद दिखाई नहीं पड़ा है 3 साल में, ये कुछ हद तक सही है आपकी बात, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब पहली बार हुआ है जब सेना गांवों को घेर करके और हर घर में वहां सर्च कर रही है कि आतंकवादी तो घुसे नहीं है, और सारी समस्या जो कश्मीर की है वो 4 जिलों तक सीमित है। जो पूरा कश्मीर हम लोग मानते हैं, पाकिस्तान पूरी ताकत लगा के भी जम्मू लद्दाख में जो है कोई अव्यवस्था नहीं फैला पाया है। तो अब सेना जो है दूसरे प्रकार से वहां कार्रवाई कर रही है, और मुझे ये लगता है कि एक मस्कुलर जो है जिसको पॉलिसी बोलते हैं वो पाकिस्तान के संदर्भ में अपनाई गई है। इसलिए आपको अपने देश पर विश्वास होना चाहिए कि आने वाले समय में और बेहतर पाकिस्तान के साथ हमारी नीति। सुधांशु जी से एक छोटा जवाब ले लेते हैं फिर आदिल जी आपके पास आएंगे। दुर्भाग्य क्या है, जब आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप किससे लड़ रहे हैं? अपने देश में पाकिस्तान के समर्थकों से भी लड़ रहे हैं। और मुझे दुख जो आता है, बहुत दुख होता है मुझे, कि जिस
राष्ट्रीय संगठन ने इस देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो संगठन जब पाकिस्तान की भाषा बोले तो शर्म भी आती है, दुख भी होता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के दुर्भाग्य ये है कि राजनीति में भाजपा को नीचा दिखाने के लिए आप अभी भी सुन रहे हैं। यानी कि सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है बिल्कुल वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आदित्य जी से इसका जवाब मैं खत्म कर लूँ कि इस देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी आज किस भाषा में बात करती है।